मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पार्ट टू वीडियो, यानी चैप्टर 5 का पार्ट टू वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को कैसे हल कर सकते हैं, छोटी से छोटी संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले सवाल। चलिए देखिए पहले सवाल कह रहा है, आप बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1369 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थित में 3 शेष बचे। मतलब कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इतनी इतनी संख्या दिया है, इससे मतलब 1277 और 1369 से भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जब इस तरह और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर रहा हो तो मासा निकालते हैं। तो पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए साल हो, यहाँ पर आप लिखिए संख्याएं। संख्या कितना दिया है 1277, जो शेष पर 3 बच रहा है इसमें 3 घटा दीजिए, 3 घटाइए कितना बचेगा, 7 में 3 के 4, 7 1274 बचा, ठीक। दूसरी संख्या क्या दिया है 1368, इसमें भी आप घटा दीजिए 3, कितना बचेगा 1365। अब ये जो संख्या दोनों आई इसी का आप मासा निकालिए, जो आएगा वही आपका उत्तर है। तो चलिए देखिए 1274 भागे 1365 भाग निकालिए, कितनी बार जाएगा, एक बार ले जाइए 1274, 5 में 4 घटाइए 1, 7 6 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से एकदम डालिए 16 में 7 घटाइए 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 91 बचा, इससे अब इसमें भाग देंगे 1274 में, करिए कितनी बार जाएगा, एक बार ले जाइए 91 करना 91, 7 में घटाइए कितना बचा 6, यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर 2 है, 2 में से 9 नहीं घटेगा, इधर उधर 12, 12 में से 9 गए 3, उतार लीजिए 4, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 करना 4, 4 नौ 36, 364। देखिए किससे का भाग देने 91 से, तो ये आपका मासा कितना हुआ 91, यहाँ पर यह सी एफ बराबर 91। आप क्या लिखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 91 है जिसे 1277 और 1368 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए दूसरे सवाल देखते हैं, चलिए देखिए अगले सवाल कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, मतलब कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 30 से विभाजित हो जाती है। तो चलिए देखिए ऑप्शन दिया है 160, 140, 150, 170। जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको लासा निकालना है, अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो मासा निकालना है। तो लासा निकालिए इसका 15 का मा 25 का मा 30, छोटी से छोटी इसलिए इसका लासा निकालिए, का लासा, लासा निकालिए, किससे कटेगा 2 से काटिए 15 नहीं कटेगा 25 नहीं कटेगा, 2 का नाम 2 पंचे 10, अब देखिए 2 से नहीं कटेगा 3 से काटिए 3 पचे 15 25 नहीं कटेगा 3 पचे 15, 5 से काटिए 5 करना 5, 5 पचे 25 5 करना 5, 5 करना 5, जब एक एक आ जाए तो लासा निकल गया। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे लासा बराबर जितना जितने से काटे हो सभी को गुणा करना है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणा कीजिए, 2 3 6, 6 5 30, 30 5 150, देखिए किसमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, चलिए देखिए यह सवाल है 3 घंटियां क्रमशः 12 कमा 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजे तो वे कब फिर एक साथ बजेगी। जब घंटी और बत्ती पर आधारित प्रश्न आए, जैसे यहाँ पर घंटी देखा कहते बत्ती क्रमशः इतने बजे जलती है इतने बजे बुझती है, जब घंटी और बत्ती पर आधारित प्रश्न आए तो आपको जो संख्या दी रहे जितने जितने अंतराल दिए रहे मिनट दे रहे उसको लासा निकालिए, सबसे पहले उसका लासा निकालिए, उसके बाद उसको घंटे में बदलिए, उसके बाद जो समय दिया है उसी में जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको पहले लासा निकालते हैं 12 15 18, 12 15 18 का लासा निकाल लेगा, लासा निकालिए 2 6 12 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 2 3 6 15 नहीं कटेगा, 9 3 का नाम 3, 3 पचे 15, 3 तरीका 9, 5 3 का नाम 3, 5 से काटिए 5 का नाम 5, यहाँ पर लासा कितना, लासा बराबर
देखिए इसको लिखिए, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 गुणा करिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 12, 12 × 36, 36 × 5 180, यहाँ पर मिनट है, यहाँ भी मिनट होगा, 180 मिनट हुआ। देखिए जब लासा निकाल लिए मिनट में, इसको आप घंटे में चेंज करिए, तो देखिए 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 180 यहाँ पर इसको इस तरीके 60 मिनट बराबर 1 घंटे, घंटा देखिए 1 घंटा। अब देखिए 180 मिनट बराबर कितना होगा, 180 मिनट बराबर 180 ये बटन चला 60 कर दे, 6 × 6 = 18 3 घंटे कितना हो गया, 3 घंटे, 180 मिनट बराबर 3 घंटे। जब 3 घंटे ये हो गया, और जो 9 बजे दिया है, आप इसको लिखिए कि घंटी को एक साथ बजने का समय है, क्या लिखेंगे, 9 बजे दिया है प्लस 3 घंटे ये है, जोड़ दीजिए 9 × 3 = 12 बजे, 12 बजे दोपहर, कितने बजे बजेंगे, 12 बजे दोपहर, आपका पहला विकल्प वो, तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, चलिए देखिए 17 × 5 = 17 × 9 = 17 × 11 का लासा होगा। देखिए इसमें जब घात बड़ी बड़ी ऐसे लगी रहे और संख्या दी रहे, चाहे जितनी बड़ी संख्या यहाँ लिखी रहे चाहे जितनी बड़ी घात लगी रहे, जब इस तरह आपको दिखाई दे तो आपको लासा कैसे निकालना है, इसके लिए देखिए ट्रिक, 17 × 5 ऐसे लिखिए, 17 × 9 = 17 × 11 का लासा जब इस तरह आपको दिखाई दे तो इसमें जो सबसे बड़ी घात जिस पे लगी हो, सेम चीज यही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, अगर सेम चीज 17 17 सब में रहे, जिसमें सबसे बड़ी घात रहे वही लासा होगा, तो इसका लासा होगा 17 × 11, यही आंसर हो गया, आपका तीसरा विकल्प सही है। अगर मासा निकालना हो इसी का, तो जो सबसे छोटी घात रहे जैसे 17 × 5 तो ये आपका मासा हो जाएगा, ठीक, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी रहे, अगर घात जिसपे सबसे छोटी लगी रहेगी वो मासा होगा, जिसपे सबसे बड़ी घात रहेगी वो लासा होगा, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए दूसरे सवाल देखते हैं, चलिए देखते हैं सवाल, कह रहा है 2/7 यानी तथा 4/17 का मासा क्या होगा, जब भिन्न दिया रहे और भिन्न का मासा पूछे तो आप कैसे लिखेंगे, 2/7 तथा 4/17 का मासा, मासा जब भिन्न दिया रहे, ऐसे दिया रहे तो ऊपर वाली संख्या जो दिया रहे अंश का, यहां पर आपको लिखना है अंश का मासा बटे हर का लासा, जब यहां मासा कहे तो अंश का मासा निकलिए, अगर यहां लासा कहे तो अंश का लासा निकलिए, बटे हर में उसका विपरीत, देखो इसमें मासा का है तो मासा लिखिए, नीचे लासा, तो अंश इसमें कितना है 2 है कामा, इसमें अंश कितना है 4 है, इसमें हम देखो 7 है इसमें 17 है, 2 × 4 का मासा निकालिए, कैसे निकालेंगे, 2 × 4 = 2 कर दिया, मासा हमेशा ये भाजक होता है, मासा है 2, 7 × 117 का लासा निकालिए, 7 से कटेगा 7 × 9 = 4 17 नहीं कटेगा 17 × 9 = 17 17 × 7 = 119 तो 2/7 तथा 4/17 का मासा कितना है 2/119, देखिए किसमें मिल रहा है, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, चलिए देखिए अगले सवाल, 2 × 3 × 3 × 5 × 2 × 7 कामा 2 × 4 × 3 × 2 × 5 × 7 × 2 × 11 तथा 2 × 3 × 3 × 5 × 4 का लासा पूछ रहा है, इतनी इतनी संख्या दिया है इसका लासा क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, आप पहले इसको लिखिए 2 × 3 × 3 × 5 × 2 × 7 ऐसे लिख दिए, दूसरी संख्या क्या लिखिए 2 × 4 × 3 × 2 × 5 × 7 × 2 × 11 तीसरा क्या है 2 × 3 × 3 × 5 × 4 इसका क्या निकालना है लासा, आप ऐसे लिखेंगे लासा। अब देखिए अभी आपको मैंने बताया इसके पहले वाले सवाल में कि जो संख्या मतलब कि जो संख्या पर जिस संख्या पर घात सबसे बड़ी लगी हो वही संख्या लासा होती है, देखिए 2 इसमें भी इसमें भी इसमें भी
दो की घात तीन, दो की घात चार, दो की घात एक, सबसे बड़ी घात किसमें लगी है, दो की घात चार, तो पहला आपका दो की घात चार, इन चार ठीक गुणा चिन्ह लगाओ। दूसरा देखो, तीन यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों सेम जगह है, सबसे बड़ा क्या है, तीन की घात तीन, आप इसको लिख दीजिए तीन की घात तीन। फिर देखिए पांच यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सबसे बड़ी घात क्या है, पांच की घात चार, पांच की घात चार लिखिए गुणे। सात यहाँ भी, यहाँ भी, सात की घात क्या है, दो बड़ी। ग्यारह नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लीजिए, क्योंकि लासा का नियम क्या है, जो प्रत्येक खंड में मिले उसे लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता उसे भी लिख लेते हैं, यही आपका लासा। देखिए किसमें आ रहा है, दो की घात चार, तीन की घात तीन, पांच की घात चार, सात की घात दो, गुणे ग्यारह, आपका दूसरा विकल्प सही है। यहीं पर आपकी सवाल समाप्त होती है। देखिए आपके चैप्टर 5 यानी लासा और मासा की पूरी सवाल यहीं पर आज समाप्त हो गई, और जितनी सवालें थी, जो कठिन कठिन सवाल थी, जो इम्पोर्टेंट सवाल थी, मैंने उन सभी सवालों को एक क्रम में बनाकर उसका वीडियो बनाया, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और आप उस सवाल को आसानी से लगा पाए। देखिए आपके चैनल का नाम जेनरी क्लासेज से आपके चैनल का नाम क्या बदल कर रख दिया गया है, स्टडी विद सचिन सर, आपके चैनल का नाम हो गया है स्टडी विद सचिन सर, तो आज से आपका चैनल नाम यही रहेगा और अब नहीं बदलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए